इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 1.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ लिख लेंगे। अब देखिए इसके अलावा हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमें 3 दिया गया है, प्रश्न में 3 हमें कहां पर दिया गया है, हमें कहा गया है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जो इसमें हमारा 3 है उसको हम क्या करेंगे कि b मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि तथा b बराबर कितना है, 3 है। तो इस तरह से हम लिख लिए हैं। अब देखिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है उसके अनुसार हमारा a बराबर b गुणा q प्लस r होता है। यानी कि a का मतलब है भाज्य, भाज्य किसके बराबर होता है, b यानी कि भाजक गुणा q यानी कि भागफल प्लस r यानी कि शेषफल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना है, इसलिए अगर हम यहाँ पर a में भाग करते हैं किससे, भाजक से यानी कि b से, और b हमने यहाँ पर 3 माना है, तो 3 से अगर हम भाग करते हैं a में तो भागफल कितना आएगा q, और हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आएगा r। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा r होता है, r कभी भी भाजक से बड़ा या फिर भाजक के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि r हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हमारा भाजक इसमें 3 है, यानी कि शेषफल यानी कि r का मान क्या हो सकता है, या तो 0, 1 या फिर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसी बात को हम लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b गुणा q प्लस r होता है। तो यहाँ पर हमारा a बराबर क्या होगा, b का मान है 3, तो ये 3 गुणा q प्लस r, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। और जहां पर हमारा जो r है, r का मान क्या होगा, जैसे कि यहीं पर हमने बात किया था 0, 1 या 2, ये होगा। तो इस तरह से यहां तक हो गया। अब देखिए r यानी कि शेषफल हमारा 0, 1 और 2 होगा, इसलिए अगर हम r का मान 0 रखते हैं इसमें तो हमारा a का मान क्या निकल के आएगा। देखिए a बराबर ये 3 q प्लस, r का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 3 q प्लस 0 का मतलब क्या है, ये यहाँ पर हमारा 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि a का मान हमारा 3 q होगा अगर r का मान यानी कि शेषफल 0 होता है तो। इसी तरह से अगर हम r की जगह पे यानी कि शेषफल 1 होता है तो a का मान क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 3 q प्लस 1, ठीक है, r की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो। और इसी तरह से अगर हम r यानी कि शेषफल हमारा 2 होता है तो a का मान क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 3 q प्लस 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये a है, a या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो यही यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे और ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा शेषफल या तो 0 या 1 या 2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे 3 केस बनेंगे, ठीक है, यानी कि 3 स्थितियाँ बनेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले स्थिति की यानी कि केस फर्स्ट की, तो यहाँ पर यदि हमारा a बराबर क्या हो कि यदि a बराबर 3q हो, तो ये यहां पर हम लिखते हैं 3q। तो यहां पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, a में अगर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा बराबर 3q में अगर वर्ग करते हैं तो ये हमारा 3q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा तो ए स्क्वायर आ ही जाएगा, बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें हमारा 9 क्यू स्क्वायर में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, 3 क्यू का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। हमने 3 कॉमन यानी कि 3 बाहर ले लिया तो 3 क्यू का स्क्वायर ही बचेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 3 क्यू स्क्वायर है इसको यानी कि इतने को हम क्या करेंगे
लेके m मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3, और इतने को हमने m माना है तो इसकी जगह पे m लिख देंगे। तो a स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया, 3m के बराबर। और यहाँ पर हमने जो m है, m किसको माना है, 3q स्क्वायर को, तो लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है हमारा, 3q स्क्वायर। तो इस तरह से पहली स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर 3m के रूप का आ गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, यानी कि दूसरे स्थिति की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यदि हम a बराबर क्या लेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3q प्लस 1, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें अब, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर इधर हमारा क्या होगा, 3q प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा सर्वसमिका यानी कि सूत्र लग रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसी सूत्र में अब हम सबका मान रख देंगे, सबसे पहले a स्क्वायर है और a इसमें हमारा 3q है, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, प्लस में 2ab है तो ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान है 3q गुणा b का मान है 1, प्लस में b स्क्वायर है तो b का मान 1 है, तो ये हो गया 1 और इसका स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 गुणा 3q यानी कि 6q हो गया, और 6q में 1 से गुणा करेंगे तो 6q ही आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q में हम यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3q कॉमन ले सकते हैं, तो इसका क्या बचेगा, इसका हमारा 3q ही बचेगा, प्लस में 6q में से 3q बाहर आ गया तो क्या बचेगा इसका, 2, और बाहर ये हमारा प्लस में 1 है तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 जो है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने को हम क्या करेंगे कि m मान लेंगे, तो ये 3 का 3 लिखा और यहाँ से यहाँ तक को हमने m माना है तो इसकी जगह पे m लिख देंगे, प्लस में क्या है 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, और यहाँ पर हमने m किसको माना है वो लिख देंगे कि जहाँ m बराबर क्या है हमारा q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं दूसरी स्थिति में हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की, यानी कि केस नंबर थर्ड की। अगर आपने इसको अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड की। अब देखिए अगर हम बात करें अब केस थर्ड की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम यहाँ पर a बराबर क्या लेते हैं, यदि 3q प्लस 2 लेते हैं, क्योंकि हमने केस 1 और केस 2 में a बराबर 3q और 3q प्लस 1 लेकर देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ अगर वर्ग करें, यानी कि a का वर्ग करें तो a वर्ग हो जाएगा, बराबर में 3q प्लस 2 का वर्ग करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है, जो कि हमारा केस 2 में भी लगा था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अब सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, ये यहाँ पर हमारा सबसे पहले a स्क्वायर है तो a इसमें 3q है तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, प्लस में 2ab तो ये 2 गुणा a यानी कि 3q गुणा b यानी कि 2, प्लस में b स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, प्लस में 2 गुणा 3q 6q हो गया, 6q में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12q, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 9q का स्क्वायर प्लस 12q। अब यहाँ पर देखिए 4 को हम इस तरह से 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे तो वापस से 4 ही आ जाएगा। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में हमारा 3 कॉमन है तो इसलिए 3 को बाहर लिख लेंगे, तो इसका हमारा 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ये यहाँ पर हमारा 3q का स्क्वायर बचेगा,
प्लस में इसमें से तीन बाहर निकल गया तो इसका बचेगा 4q, प्लस में इसका तीन बाहर निकल गया तो एक बचेगा। फिर यहाँ पर हमारा प्लस में एक एज इट इज उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 को 3 प्लस 1 के रूप में इसीलिए लिखा था ताकि यहाँ पर हम 3 बाहर ले सकें, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इसमें हमारा ब्रैकेट में है 3q² प्लस 4q प्लस 1, इतने को हम क्या करेंगे कि m मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर ये 3 का तो 3 हमारा लिखा जाएगा, इतने को हमने जो ब्रैकेट में है इसको m माना है तो इसकी जगह पे m लिख देंगे, प्लस में जो एक ये वाला है इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आगे लिख देंगे कि जहां जो हमने यहाँ पर m माना है किसको, ये जो ब्रैकेट में है इसको, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख के दिखा देंगे कि जहां m हमारा क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से तीनों ही स्थितियों में आपने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लिख के दिखा देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।